आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है कि धोखेबाज चीटर पति को कैसे पहचाने, उसे कैसे समझाएं और इस रिश्ते को कैसे बचाएं जहां तक मुमकिन हो सके, और अगर नहीं बचा सकती हैं तो इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलें, अपने आप को कैसे संभालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हस्बैंड वाइफ को चीट करता है ना, तो वो अपने फ़ोन को छुपाने लगता है, लॉक लगाने लगता है, लॉक को बार बार चेंज करने लगता है। जैसे मान लीजिए एक बार आपको लॉक पता चल गया तो वो दोबारा उसको चेंज कर देगा, आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, गुस्से में चिड़चिड़ करता रहता है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना, तो पक्का आप अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आप चेक करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे से वो बार बार गुस्सा हो रहे हैं, और अगर आपके फैमिली में कोई प्रोग्राम है वो वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ आपको टोटली इग्नोर करते हैं, घर में भी आए हैं, हाँ ठीक है खाना वाना खा लिया, वो सो गए और आप भी सो गए, ना बच्चों की तरफ कोई ध्यान, ना आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी ज़रूरतों की चीज़ उनसे मतलब कोई लेना देना ही नहीं। जब ऐसा लगे ना आपको, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, घबराना नहीं है, और आपको ये पता करना है, घबराहट में हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ ये पता करना है, क्या जो मैं शक कर रही हूँ, क्या जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, क्या ये सही हैं। आप पता कर लीजिए इसको अच्छे से, और जब आपका डाउट ना रह कर बिल्कुल सही साबित हो, तब आपको ठंडे दिमाग से अपने हस्बैंड के साथ बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोते हुए बात कर रही हैं, बिल्कुल अपने आप को असहाय कमज़ोर महसूस करके बात कर रही हैं कि अब मैं क्या करूं। देखिए, ये जितना रिश्ता निभाने का फ़र्ज आपका है उतना उनका भी है, ये परिवार ये फैमिली जितनी आपकी है उतनी उनकी भी है, तो ये रिश्ता दोनों को बराबर ही निभाना है। एक पहिए पे गाड़ी कभी नहीं चलती है। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देगा, उसको चीट करेगा, तो फिर तो मामला गड़बड़ है। ये तो उसी तरीके से हो गया कि आप बाइक पे जा रहे हैं और एक टायर की हवा निकाल दीजिए, क्या आपकी बाइक चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आपको यहाँ पर ठंडे दिमाग से बिल्कुल आराम से उनसे क्लियर करना है, पूछना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ही कोई कमी हो, आप जब शादी हो गई बच्चा हो गया तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा टाइम बच्चे में फैमिली में ही बिजी हैं, अपने हस्बैंड को टाइम ही नहीं देती हैं, उनसे बात ही नहीं करती हैं, वो कब आए ऑफिस से, कब चले गए, खाना खाया नहीं खाया, क्या पसंद ना पसंद, आप ये सब बिल्कुल भूल ही चुकी हैं बच्चे के चक्कर में। तो पहले देख लीजिए, हस्बैंड से बात कीजिए, क्या परेशानी है उनको, क्या दिक्कत है। अगर आप अपनी तरफ से सही हैं कि आप टाइम भी उनको दे रही हैं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल भी रख रही हैं, बच्चे के साथ परिवार के साथ आप उनका भी ध्यान रख रही हैं बिल्कुल इक्वल, तो अगर आपकी गलती नहीं है तब आपको हस्बैंड से बिल्कुल स्ट्रांग होके पूछना चाहिए, बोल्ड होके, कि भाई ऐसा क्यों, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपको बहाने बनाए, बोले कि हाँ ये तो चलता है, आजकल का यही टाइम है, ऐसा ही होता है, ऐसा सब लोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप उनको साफ साफ जो है साफ साफ लहजों में मना कीजिए कि भाई देखिए ऐसा मत कीजिए, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, और हम दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, हमारी शादी है, इस शादी को ऐसे नहीं तोड़ सकते हम। लेकिन आपके समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं वो करते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर इस रिश्ते में रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। आप हस्बैंड के साथ बात करते हैं बिल्कुल सख्त लहजे में बात कीजिए, देखिए ना रोते हुए, ना बिल खरीदते हुए, ना अपने आप को कमज़ोर समझते हुए, आप हस्बैंड से साफ साफ शब्दों में बात कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है वो बता रहे हैं, तो उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपके अंदर अगर कोई कमी नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और अगर आप जब बात करती हैं तो आपके हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, या गलती से हो गया, तो ठीक है, यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ फैसले हम इतने गुस्से में, इतने आवेश में, इतने क्रोध में आके ले लेते हैं ना, कि जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, जब हमारा क्रोध शांत होता है और मामला जो है कोर्ट कचहरी तक चला जाता है,
तब जो है हमको ना ऐसा एहसास होता है कि काश मैंने उस टाइम बैठकर अच्छे से बात कर ली होती, अगर मेरे अंदर कुछ कमियां थी तो मैं उसको दूर करती, अगर उनके अंदर कुछ कमियां थी तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करती, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये फैसले, ये बहुत जन्मों जन्मों का हमारा साथ होता है, एक झटके में हम ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ तक आप कोशिश करिए अपने हस्बैंड को समझाने की, परिवार का दीजिए, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में बात कीजिए, अगर वो समझते हैं, इस चीज़ को मानते हैं, तो एक मौका ज़रूर अपने पार्टनर को दीजिए। लेकिन आपने सब कुछ करके देख लिया, उनको मौका भी देके देख लिया, आपने अपनी तरफ से पूरी 100% आप जितना कर सकती थी आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, और आप जो है घुटन भरी ज़िंदगी जी रही हैं, छटपटा रही हैं। क्योंकि जब रिश्ते में दरार आ जाती है, शक शुबा पैदा हो जाता है, तो क्या होता है, वो रिश्ता रिश्ता न रहकर हमें एक काल कोठरी में बंद, एक जेलर जैसे पहले ज़माने में काल कोठरी वाली सज़ा दे देते थे ना, कि बाहर की रोशनी नहीं आएगी, आपको इसी कमरे में रहना है और घुट घुट के आपको जीना है, तो आदमी छटपटाने लगता है, उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगता है। आपको जब ऐसा लगे कि भाई मैंने सब कुछ अपनी तरफ से करके देख लिया, हर एक जो मैं जितना कर सकती थी सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना जो है ना, अपने इनकम के बारे में सोचिए, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो जॉब करने के बारे में सोचिए, और अपने परिवार, अपने बच्चों को लेके ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, दूर निकल जाइए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। क्योंकि ऐसे घुटन भरे रिश्ते में पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जीने का हक सबको है, हर कोई इस दुनिया में आया है तो उसको भगवान ने जब जीने का हक दिया है तो उस हक को इंसान को छीनने का बिल्कुल भी कोई भी हक नहीं है। इसलिए कहीं ना हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और आजकल के टाइम में पढ़ाई लिखाई पर स्पेशली लड़कियों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो संभाल सके। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब औरत लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं होती ना, तो मजबूरी में उसको उस रिश्ते में रहना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और शादी के बाद हम सबको पता है, यही सच्चाई होती है, कि मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं, कुछ एक हद तक तो साथ देंगे, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक, लेकिन उसके बाद ऐसा समय एक जैसा नहीं रहता है। तो अगर आप इस रिश्ते में घुटन महसूस कर रही हैं, अपनी बेइज्जती रोज़ महसूस कर रही हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते से निकल जाना ही बेटर है, और आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, आप इतनी इनकम है आपकी कि आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, तो प्लीज़ इस रिश्ते से आपको निकलना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि इस घुटन भरी ज़िंदगी से, छटपटाहट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर उनको उस चीज़ में अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई, अगर आप उनको नहीं पसंद हैं तो ठीक है, आपको जो पसंद है आप उनके साथ रहिए, मैं अपने बच्चों के साथ उसकी परवरिश कर लूँगी और अच्छे से अपनी लाइफ को जी लेंगे। तो इन चीज़ों को जानिए, पहचानिए, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ में, और शक जो होता है ना, कभी कभी हमारा जो रिश्ता टूटता है वो शक भी होता है, और बेवजह शक भी होता है। इसलिए मैं अभी लास्ट में भी बोल रही हूँ कि हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिए, जांचिए, परखिए, और जब आपको लगे कि हाँ आप एकदम सही हैं और आपने हर तरीके की कोशिश कर ली, तो इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। क्योंकि खुश रहने का हक इस दुनिया में सबको है, भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, तो उस खुशी को, उस हमारी ज़िंदगी जीने का, छीने का हमारी सांसों पर किसी का अधिकार नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।